सत्ययुग में महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन हुआ, जो बड़ा पराक्रमी एवं धार्मिक था। अपने राजकार्यों के साथ ही वह जप तप और धार्मिक क्रियाओं में भी लगा रहता था और हरि की उपासना जरूर करता था। एक दिन आकाश मार्ग से देवर्षि नारद राजा के दरबार में आए और राजा ने अपने सिंहासन से उठकर नारद जी को प्रणाम करके उनके चरण धोए और आरती उतार कर उनका स्वागत किया। देवर्षि नारद ने भी राजा की कुशल मंगल पूछी और बताया, मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में गया था, जहाँ यमराज ने मेरा खूब आदर सम्मान किया और मुझे ऊंचे आसन पर बिठाकर मेरी पूजा की। मैंने यमराज की सभा में आपके पुण्य आत्मा पिताश्री का दर्शन किया। उन्होंने मुझे कहा, महिष्मती नगरी का राजा इंद्रसेन मेरा पुत्र है, जब आप उसे मिलोगे तो मेरा एक संदेश उसे जरूर दे देना। आपके पिताश्री ने कहा कि पिछले जन्मों के किए किसी पाप कर्म के कारण मुझे यमलोक में रहना पड़ रहा है। राजा को कहना कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की इंद्रा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य फल मेरे निमित्त दें, ताकि मेरा उद्धार हो सके और मैं यमलोक से स्वर्ग लोक में जा सकूं। नारद जी ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि आपके पिताश्री को यमलोक से छुड़ाने के लिए आप यह व्रत जरूर करें। नारद जी ने राजा को व्रत की सारी विधि बताई। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के उपदेश के अनुसार ही पूरे नियम से इंद्रा एकादशी व्रत का पालन किया और अगले दिन यानी द्वादशी को भगवान विष्णु के महाप्रसाद के साथ पितृ तर्पण और श्राद्ध किया और व्रत का फल अपने पिताश्री के नाम किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और हरि वाहन गरुड़ जी राजा के पिताश्री को अपने पीठ पर बैठाकर वैकुंठ में ले गए। राजा इंद्रसेन ने लंबे समय तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में अपने राज्य पुत्र को सौंपकर स्वयं ब्रह्मलोक में चले गए। देवर्षि नारद कहते हैं, ये व्रत इतना पुण्यकारी है कि इसके पुण्य फल से प्रभाव से पितरों का उद्धार हो जाता है, जीव के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत की कथा सुनने से, कीर्तन करने से, सच्चे भाव से तुलसी और पीपल को जल चढ़ाने, मंदिर में दीपदान करने से सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक ताप मिट जाते हैं।